हेलो, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब लोग? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। अभी सुबह के बज रहे हैं 10 और करते हैं अपनी ब्लॉग की स्टार्टिंग। तो अभी तो मैंने यहाँ पे दाल बॉईल करने रखी हुई है, प्रेशर कुकर में दाल उबालने रखी हुई है। तो अब मैं ज़रा ऊपर जाती हूँ। पतिदेव जी गए थे ड्रिल मशीन लेने, पता नहीं क्या कर रहे हैं आज, देखते हैं। अभी लेके आए नहीं है, पति देव जी भी आ गए हैं ड्रिल मशीन लेके, तो देखते हैं क्या कर रही है। क्या करोगे ड्रिल मशीन का? देखते हो क्या करने वाले हो, भाई बता दिया करो। तुम हर चीज को सस्पेंस में रखते हो, क्या करोगे? आ जाओ आ जाओ, देखो देवी यहाँ पे ड्रिल मशीन को ऑन कर रहे हैं। आराम से करना है, आराम से। कौन सा फ्रेम लगाओगे यहाँ पे? कौन सा फ्रेम लगाओगे? कौन सा? अब कहाँ पे करोगे? यहाँ पे कर देते हैं। इतने सारे क्यों कर रहे हैं? फ्रेम लगाएंगे, इतने फ्रेम पड़े हैं वो सब लगाओगे? चल क्यों नहीं रहा यार? ओ लाइट गई। अब करो तुम। बोल कम से कम की लाइट। मैंने तो जानबूझ के नहीं बोला, लाइट गई, तो जब लाइट आएगी तब करेंगे फिर पति देव जी दोबारा से। अब मालूम नहीं लाइट कब तक आती है। हाँ, लाइट का भरोसा नहीं रहता, बरसात का टाइम है तो लाइट में से अगर थोड़ी सी बारिश होगी वैसा होगा तो एकदम से लाइट चली जाती है, फिर बहुत घंटों बाद आती है लाइट। तो मिलते हैं फिर थोड़ी देर में। तो जब तक लाइट आती है तब तक मैं खाना बना लेती हूँ, फिर करते हैं उस फ्रेम वगैरह लगाते हैं, फिर मिलते हैं फिर। तो लाइट आ चुकी है, सीढ़ियों में चढ़े हुए हैं और मैंने यहाँ पे से पकड़ा हुआ है आराम से। हेलो, गुड इवनिंग फ्रेंड्स। तो अभी शाम के बज चुके हैं 5 और अभी हम लोगों ने चाय वगैरह पी है। इधर पति देव जी फ़ोन पे बातें कर रहे हैं। तो आज हमारी शादी की एल्बम भी आ गई और फोटो फ्रेम भी, तो बहुत ही अच्छे एल्बम बना रखी है और फ्रेम भी बहुत ही अच्छा है, बहुत पसंद आया मुझे। और मैं धन्यवाद कहना चाहूँगी विनीत भट्ट जी को, जिन्होंने जो हमारे फोटोग्राफर थे। बहुत ही अच्छी एल्बम, मतलब अच्छी क्वालिटी है और फ्रेम भी बहुत अच्छा बना रखा है उन्होंने। तो मैं बस यही कहना चाहती हूँ कि बहुत बहुत धन्यवाद उनका। और अगर आप लोगों को भी अपनी शादी के लिए फोटोग्राफी की ज़रूरत हो तो उनसे कांटेक्ट करें, वो देवी खाल में रहते हैं और बहुत ही अच्छी क्वालिटी की एल्बम भी है और फ्रेम भी है। तो पति देव जी ने फ्रेम तो लगा दिया है आज, तो बताती हूँ मैं आपको और एल्बम बताऊँगी मैं आपको कल के व्लॉग में मैं आपको एल्बम बताऊँगी अपनी शादी की। तो मैं आपको फ्रेम दिखाती हूँ अभी फ़िलहाल। ये हमारी शादी का फ्रेम है जो आज आया और पति देव जी ने लगा दिया है इधर, और ये वाला एक ये है और एक ये है। बहुत ही सुंदर, बहुत ही प्यारा फ्रेम बना रखा है। और एक फ्रेम इधर लगाया हमने कृष्ण भगवान जी का। तो आज पति देव जी सुबह से यही काम कर रहे थे। तो मैं अब जरा दादी के बाल बना लेती हूँ, आज दादी की तबीयत भी थोड़ा ढीली हो रखी है, दादी को सुबह से थोड़ा बुखार है। आज सुबह से दादी को बुखार आ रहा था।
दवाई भी ली लेकिन कुछ फर्क नहीं है इसे। दे तुम दवाई नहीं खाए डॉक्टर दी छे दवाई? हां डॉक्टर दी। अच्छा अभी थोड़ा कम छे अभी तो नहीं आज दादी ढीली ढीली हो रखी बुखार आ रहा था दादी को। ठंड तो नहीं लगना? ठंड तो नहीं ना लगना? हाँ तो खुटू पानी होना दादी के बदन पर खुटू पानी है आज कल बुखार में नहीं आ जा। तो फ्रेंड्स हमारा खाना पीना हो चुका है और अभी खाया हमने खाना और इधर अभी हमने रखा है गुंडू पकाने के लिए, ये इधर कढ़ाई में रखा हुआ है, ये अभी बनेगा सुबह तक, ये रात भर ऐसे ही पकता रहेगा, इसे एक दो बार पलटी मारेंगे इसकी फिर पक जाएगा सुबह तक, तो इसे पकने में टाइम लगता है बहुत। तो अभी मैं इसे ऐसे छोड़ देती हूँ, थोड़ी देर बाद आऊँगी फिर इसे देखने के लिए कि दूसरी साइड पलटाने के लिए आऊँगी इसे। तो ठीक है फ्रेंड्स आज के व्लॉग को यहीं पे ख़त्म करते हैं और कल मिलते हैं फिर एक नए व्लॉग के साथ में। और अगर आपको आज का व्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।